Hello, a very good day to all the dear students. Welcome to the part 2 of disaster management. Okay, अब cloud burst भी हमने बाद में discuss किया कि cloud burst क्या होता है. Sometimes the water coming down from rain clouds does not reach the land. वो पानी क्या है लैंड तक पहुंचता ही नहीं है. ठीक है. Instead, due to a very high temperature near the land, मतलब जमीन पर ज्यादा temperature होने की वजह से वो पानी फिर से भाप बन के इट वेपोराइजेस एंड गोज बैक इन द सेम क्लाउड. मतलब पानी जमीन पे आने से पहले ही भाप बन जाता है, वेपोराइज हो जाता है और उसी क्लाउड में चला जाता है. ठीक है. एज ए रिजल्ट मतलब उसका नतीजा क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वेपर इन दोज क्लाउड्स बिकम वेरी हाई. तो वो क्लाउड में मतलब ये आपका क्लाउड है. ठीक है. तो यहां से ज्यादा हो गया इसके लिए वो गिर गया, बारिश पानी हो गई. ठीक है. बट जैसे ही वो पानी गिर जाता है तो यहां पे वो क्या हो जाएगा, यहां से वो फिर से भाप बन के वाटर यहाँ पे चला जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे चला गया तो उसका कैपेसिटी बढ़ गया. तो जैसे ही उसकी कैपेसिटी बढ़ गई वो क्या हो जाएगा, क्लाउड, वो क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा वहां पे. ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा, सारा पानी वहीं के वहीं गिर जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे जितना भी पूरा गांव या विलेज होगा, जितना बड़ा क्लाउड होगा उसके हिसाब से वो डैमेज भी कर सकता है. क्योंकि वो एक साथ जनरली बारिश एक साथ नहीं गिरती है, थोड़ी 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 गिरते रहती है. एक बादल से बहुत दिनों तक बारिश होती है, करेक्ट है ना. तो वही पानी एक साथ गिर जाएगा तो लॉस हो जाता है. जैसे गर्म पैन में पानी डालते तो बाफ बनते जाता है. यस. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट में अगर क्वेश्चन हमें आता है कि क्लाउड बर्स्ट में कितना रेट होता है वो एक घंटे में बारिश का, तो 100 mm कितना होता है, 100 mm. रेनफॉल होता है. वो अनिष्का ने फोन किया घर पे. हाँ हाँ किया था, बात कर दी. हाँ. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज फ्लड. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फ्लड्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लड दैट वी हैव अकर्ड वेरियस. फ्लड मतलब बारिश की पानी ज्यादा हो जाएगा तो भी फ्लड हो जाता है, या कभी कभी वाटर डैम्स का पानी छोड़ देते हैं तो भी फ्लड आता है. ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स इन द माउंटेन रीजन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ परकोलेशन टैंक्स मेकिंग रिवर बेड्स फ्लैट, कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट कनेक्टिंग रिवर्स, मतलब ये सब चीजें अगर हम करेंगे ना तो क्या होगा, तो फ्लड नहीं आएगा. हाँ, रिवर्स ओवरफ्लो हो जाएगी तो फिर तो लॉस होगा ही ना, तो वो भी एक फ्लड ही हो गया. कि फ्लड मतलब क्या, जो भी वाटर रिजर्वर है जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए या फिर रिवर्स हो गए, उसमें पानी ओवरफ्लो होना वही तो फ्लड होगा ना. यस सर, 2004 में भी आया था ना. यस, 2004 में बहुत बड़ा फ्लड आया था. ठीक है. नाउ लास्ट पॉइंट इज लाइटनिंग. लाइटनिंग मतलब क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे कि क्लाउड्स के टकराने की वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है उसे क्या कहेंगे, हम लाइटनिंग कहेंगे. ठीक है. वी हैव लर्न अबाउट द जनरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन द प्रीवियस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें भी हमने सीखा हुआ है. मैं उसका भी तुमको अच्छा सा एक प्रिपरेशन करके ट्रेनिंग मटेरियल दे दूंगा. ठीक है. हाँ. लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, डू नॉट मतलब प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं, तो डू नॉट स्टैंड इन एन ओपन ग्राउंड और बिलो ट्री. जब लाइटनिंग स्ट्राइक होगा तो ओपन ग्राउंड में मत खड़े रहना और प्लांट के या ट्री के नीचे मत खड़े रहना. क्यों? क्योंकि अगर हम ओपन ग्राउंड में खड़े रहेंगे तो हमारे ऊपर ही वो ओपन ग्राउंड में खड़े रहेंगे तो लाइटनिंग हमारे ऊपर हो सकता है ना, डायरेक्ट हमारे ऊपर आ सकता है. और अगर ट्री के नीचे अगर हम खड़े होते हैं तो अगर ट्री गिर जाएगी तो हमारे ऊपर गिर सकती है. तो ये भी एक प्रिकॉशन मेजरमेंट हो सकती है. डो नॉट स्टैंड नियर इलेक्ट्रिक पोल, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का डर है और फिर से इलेक्ट्रिक पोल के नीचे खड़े रहेंगे तो भी इशू है. टेलीफोन पोल और टावर, कोई बिल्डिंग्स, हाँ कोई भी जगह है वहां पे मत खड़े रहो. ठीक है. वायर्ड फेंसेस वगैरह है उसमें जहां पे फंस सकते हो ऐसी जगह पे मत खड़े रहो. इफ यू आर टू व्हीलर, बाइसिकल, ट्रैक्टर, गेट ऑफ, गाड़ियों से बाहर निकलो फटाफट. ठीक है. टेक केयर, कीप डिस्टेंस ऑफ 15 feet बिटवीन एनी टू पर्सन्स. एकदम चिपक चिपक के भी मत खड़े रहो, दूर दूर खड़े रहो. डू नॉट यूज प्लग्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, मतलब इलेक्ट्रिक का कोई भी चीज को आप यूज मत करना. ठीक है. स्टैंड ऑन अ ड्राई वुड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है ना वो,
थंडर स्टॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसी चीज जो जो कंडक्टर नहीं है, जैसे लकड़ा, लकड़ा कंडक्टर नहीं है, तो उसके पास खड़े रहो या उसके ऊपर ही खड़े रहो, ठीक है। पानी से दूर रहो, ठीक है, वरना क्योंकि पानी क्या, पानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है, ठीक है। अच्छा सा घर ढूंढो, वहां पे छुप सकते हो। जैसे कि हम लोग पेट्रोल पंप पे आते, तो फोन से पेट्रोल से क्या मतलब हुआ? तो वो भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ ना? नहीं, वो रेडिएशन की वजह से होता है। हाँ, वहां पर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, चार्जेस जनरेट होते हैं और स्पार्कलिंग होती है। यस, वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो इज अ नेचुरल इवेंट और फेनोमेना। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज हॉट। जमीन के अंदर कैसा है? हॉट सरफेस है, ठीक है। तो हॉट सरफेस होने की वजह से मूवमेंट ऑफ हॉट सब्सटेंसेस कंटिन्यूअसली अकर फ्रॉम द इंटीरियर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब गर्म चीजों चीज जो है, जो अंदर हॉट सब्सटेंस है, वो क्या हो जाता है? वो ज्यादा भड़क जाता है और वो बाहर आता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वोल्केनो कहते हैं। एज अ रिजल्ट समटाइम्स द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस, मतलब इसमें से क्या निकलता है? इसमें से सॉलिड भी निकलता है, इसमें से गैस भी निकलता है और इसमें से लिक्विड भी निकलता है, बराबर है ना? वोल्केनो से क्या निकलता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों निकलता है, ठीक है। एंड इट पुश टुवर्ड्स द क्रस्ट, मतलब वो ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है। और फिर वो जो बहना शुरू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्केनो या लावा कहते हैं, ठीक है। हाँ पूछो। जब पहले वोल्केनो एकदम अंदर ही अंदर एकदम हीट होने लगता है, जब ज्यादा हीट होता है तब फूटता है। हाँ, यस, ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा तो फूट जाता है। उसमें केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे लावा होता है, वेपर होता है, हॉट मड, सल्फर गैसेस भी होते हैं, हाँ, विच गेट्स ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। द एटमोसफेयर गेट्स पोल्यूटेड, इससे क्या होता है? अब हमारा वातावरण पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है, क्योंकि उससे फिर गैसेस भी निकलते हैं, ऐश निकलती है, सूट निकलती है, ठीक है। तो जमीन भी, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूशन मतलब मिट्टी, एंड एयर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। वोल्केनोज इरप्ट इन द सी एज दे डू नॉट लैंड। वोल्केनोज इरप्ट इन द सी एज दे डू नॉट, एज दे डू ऑन लैंड, मतलब वोल्केनोज जो होते हैं वो समुन्द्र में भी होते हैं, और उससे क्या होगा? उससे बड़े बड़े वेव्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, और उससे भी कभी कभी बाढ़ आ जाती है। हाँ, बड़े बड़े वेव्स आते हैं ना कभी कभी, हमने वीडियोस में देखा होगा कि लोग बीच पे खड़े और अचानक से बहुत बड़ी वेव आ गई। कहां से आ गई? कहीं ना कहीं वोल्केनिक इफेक्ट होगा, क्योंकि जनरली लैंड कैसी है हमारी? लैंड हमारी स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है ना, हमारी लैंड प्लेन हो सरफेस होता है, लेकिन जब वोल्केनो होता है तो उसमें सीस्मिक वेव्स आते हैं, उसको बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। ऐसे ऐसे लैंड होती है, हमारी जमीन ऐसे हिलती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर हो गई वो, तो मतलब वेव के जैसी ही हो गई, तो जब वो पानी में इतना बड़ा बड़ा ऐसे 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 होगा तो क्या होगा? पानी का वेव तो पहले ही होता है, वो वेव और बड़ी हो जाएंगी। जैसे आप एक एग्जांपल हो ना, आप बकेट में आपका पानी प्लेन है, आप उसमें हाथ मूवमेंट करते तो पानी ऊपर नीचे होता है, फिर और ऊपर उछल जाता है, सिमिलर हो जाता है, बस बहुत बड़े डिस्टेंस पे हो जाता है। देखो सुनामी उसका एग्जांपल है कि अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आता है, क्योंकि वो सीस्मिक वेव्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीस्मिक वेव्स, उसको बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। सर जैसे बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग समुद्र के सामने खड़े, सुबह में ज्यादा वेव्स नहीं आती, रात में एकदम तेज आती है सर। सुबह में ज्यादा नहीं आती, रात में नहीं आती, मतलब दिन में मतलब ज्यादा वेव्स नहीं आती, शाम जैसे होने लगती है वैसे एकदम जोर जोर की वेव्स आने लगती है। हाँ, वो तो सनराइज सनसेट की वजह से वो होता है, बट वो अलग ज्योग्राफिकल रीजन है उसके पीछे, वो हम लोग ज्योग्राफी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन में और कम से कम 3-4-5 मिनट जा सकता है। हाँ, क्योंकि उसमें उसको बोलते ना, पानी भरता है, उतरता है, चढ़ता है, वो बोल रहा ना तू। हाँ, उसमें मुझे उसकी वजह साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, बताऊंगा मैं आपको सेपरेटली, ठीक है। हाँ, सुनामी, सुनामी क्या होता है? सुनामी आपका वोल्केनिक या अर्थक्वेक की वजह से ही होता है, ठीक है। अब इसमें वेव्स है ना, द वेलोसिटी ऑफ दीज वेव्स 800-900 किलोमीटर। जैसे हमारी बाइक की स्पीड क्या होती है? 100 की होगी, तो हम बोलते अरे बाप रे कितना स्पीड में चला गया। तो ये सुनामी वेव्स की अगर स्पीड हो 800-900 किलोमीटर, जो कि सुपर बाइक से भी ज्यादा हो, और उतनी फास्ट वेव अगर हमारे ऊपर आती गिरे, तो हमारा क्या होगा?
चूरा हो जाएगा। हम देखते हैं ना बहुत सारी गाड़ियां बह जाती है, कार बह जाती है, ट्रक बह जाते हैं, बिल्डिंग के बिल्डिंग बह जाते हैं। क्यों? इनकी स्पीड इतनी ज्यादा डेंजरस होती है। इसकी इफेक्ट्स क्या है? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो सकती है, लॉस ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी भी जा सकती है, बोट, शिप, कार्स, लैंडस्लाइड, ठीक है, ये सारा चीज भी हो सकता है, ट्रैफिक होना, फिर इंडस्ट्रीज वगैरह बर्बाद होना, कंपनीज फैक्ट्रीज बर्बाद होना, ठीक है, ये सब भी हो सकता है, बड़ी पैमाने पे हो सकता है। अब स्टॉर्म्स मतलब क्या? तूफान आना, टॉर्नेडो, जैसे हवा घूमती है गोल 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 गोल, और बड़ी 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 बड़ी, पहले छोटे से शुरू होगा ना, छोटा फिर बड़ा 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 होते जाएगा। तो जैसे जैसे वो एरिया में सर्कुलेट होगा, जितने भी आजू बाजू के गांव होंगे या फैक्ट्रीज होंगी या लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ होगी, उसको इफेक्ट करेगी, उसको बोलते हैं सुनामी, ठीक है। हाँ, तो मेनली इसको स्टॉर्म बोलेंगे, बट सुनामी नहीं, सॉरी स्टॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है, तूफान बोलेंगे, ठीक है। स्टॉर्म मतलब बहुत तेज हवा चलने, बहुत तेज हवा चलने को स्टॉर्म बोलेंगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, कुछ अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, रेगुलरली कट डाउन ट्रीज और ब्रांचेस दैट आर लाइक टू फॉल एंड कॉज डैमेज। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा नया प्लांटेशन भी करना चाहिए और साथ साथ जो पुराने प्लांट्स है, ट्रीज है, उसको कट भी करना चाहिए टाइम पे। पता है ना कि ये सड़ गया है, डैमेज हो गया है, अब नहीं जिंदा रह सकता, उसको कट करना चाहिए, क्योंकि जब भी नेचुरल डिजास्टर आएगा, हमारा चैप्टर क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमें ये भी देखना चाहिए ना कि पुराने ट्रीज को काट दो, अगर गवर्नमेंट पुराने ट्रीज को नहीं काटेगी, और समझो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अचानक से तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, सुनामी आ गई, तो वही प्लांट, वही ट्री हमारे ऊपर गिर जाएगा, कमजोर होगा तो गिर जाएगा, ठीक है। इवन नॉर्मल बारिश में भी हम देखते हैं बहुत सारे ट्रीज गिर जाते हैं, गाड़ियों पे गिरते हैं, लोगों पे गिरते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। और हम घर पे होते हैं तो हमेशा याद रखो कि गैस का रेगुलेटर बंद होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर, तूफान आएगा, स्टॉर्म आएगा, इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग होगी, थंडर स्टॉर्म होगा, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एसी बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो, प्लग निकाल के रखो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, सुंदर और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैप्टर से, नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट डेली लाइफ में भी हमें काम आएगा, और हर एक को ये चीज फॉलो करनी चाहिए, ओके। ये या फिर हमारा चैप्टर एंड होता है, ठीक है, थैंक यू।